नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाय एसपीएन। दोस्तों, मुख्यमंत्री जी दिल्ली से पटना पहुंच गए। सभी संविदा कर्मियों के लिए दे दिए हैं बहुत बड़ी खुशखबरी। सभी विभाग को परमानेंट कर दिए हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो आइए मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा, संविदा कर्मियों से जितनी भी अपडेट आएंगे सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली से जो है नीतीश कुमार जी जैसे ही पटना पहुँचे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए सभी विभाग को परमानेंट करने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के संविदा पर कार्य कर रहे जिनका भी अनुभव 10 साल का है, उन सभी संविदा कर्मी परमानेंट होंगे। यानी पूरा का पूरा रास्ता साफ हो चुका है। पटना में पहुंचते ही नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में टोटल 44 विभाग संविदा पर कार्य करते हैं, उन सभी संविदा को परमानेंट किया जा रहा है। ऐसा फाइनली उन्होंने दिल्ली से आते ही अभी का जवाब दिया है कि बिहार के सभी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण प्रक्रिया जो है बहुत जल्द शुरू हो रही है। 31 मार्च तक कंप्लीट कराने की बिहार सरकार पूरा का पूरा प्रयास कर रही है। पर साथियों, इसमें आप लोगों को 4 लाख संविदा कर्मियों को जो है लाभ देखने को मिलेगा। यानी 4 लाख ऐसे संविदा कर्मी होंगे, सभी विभाग को मिला करके 4 लाख संविदा कर्मी जो है फिर से परमानेंट हो जाएंगे। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिनका अनुभव 10 साल का है उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत है, उनका नियमितीकरण प्रक्रिया जो है पक्की है। और जब आप लोग नियमित हो जाएंगे तो प्यारे साथियों, आप लोगों की जो सैलरी है बेसिक सैलरी रहेगी 19,900 रुपये आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। साथ ही साथ अगर डीए की बात कर लेते हैं तो आपको 42% डीए दिया जाएगा, यानी 8,358 रुपये डीए दिया जाएगा। एचआरए की बात कर लेता हूँ तो 5,400 रुपये आप सभी को एचआरए दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका अगर टोटल सैलरी की देख ली जाए तो 33,658 रुपये आपकी जो है टोटल सैलरी होगी। लेकिन प्यारे साथियों, आपके इन हैंड जो सैलरी आएगी लगभग 30,000 सैलरी आएगी। इस तीन तरह से आप लोगों को वेतन दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप संविदा पर कार्य करते हैं, आपका अनुभव जो है 10 साल का है, तो आप लोग जब नियमित होंगे तो आप लोगों की योग्यता के अनुसार अगर आप 10वीं पास हैं तो आपको जो है 1900 पे ग्रेड की सैलरी दी जाएगी। अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको 2400 पे ग्रेड की सैलरी दी जाएगी। इसी तरह से जो है आप सभी को सैलरी दी जाएगी आपके एजुकेशन के हिसाब से। तो फाइनली नीतीश कुमार जी ने सीधे खुलासा कर दिया है कि 31 मार्च तक हर हाल में बिहार के संविदा कर्मी परमानेंट हो जाएंगे। ये नीतीश कुमार जी का वादा है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।